कोरोना हमका बचन का सब दिन दिखाइस या दिन तक दिखाइस कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जीवन में कितनी उपयोगिता है। एक मरे वाले व्यक्ति का वह ऑक्सीजन जो प्रकृति मुफ्त में देती, वह ऑक्सीजन जो अब अस्पतालन में बकायदा लोगन के जान बचाइस या दौर में वह ऑक्सीजन प्राणवायु यदि कहा जाए तो प्राणवायु के हमारे लगे संयंत्र पीछे देखने लागे या प्राणवायु के संयंत्र आए। सीधी एक आदिवासी अंचल पिछड़ा क्षेत्र है, सरकारन की उपेक्षा के दंश लगातार झेल रहा है। हालात यहाँ तक भी कि सीधी माँ बीते 3 माह से या सांसद विधायक सब जने गुहार मार रहे हैं कि सीधी माँ सरकारी अस्पतालन माँ ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा लागे, किंतु अभी तक उनकर आधारभूत संरचना नहीं रखी गए। हालात यह भी कि अब सीधी माँ तबो अब एक ठे ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है जेकर क्षमता है 100 ठे जंबो सिलेंडर रिफिल करा जाई, और नहीं था अपना जनते हैं कि सीधी के एक ख्याति प्राप्त मिश्रा नर्सिंग होम जौने माँ एक व्यक्ति के जान बचावे के वह हर संभव प्रयास किन जात है, हर संभव उपचार दिन जात है, हर संभव संयंत्र लगाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि यह पूरे मामला माँ सबसे बड़ी सोचे वाली बात है कि सोची सरकार जो उन गरीबन खीतिर यह दावा करती है कि हम जान बचाऊ हम सलगे इंतजाम करब, वह सरकार 3 महीना से ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगवा पाई, किंतु आज प्राइवेट अस्पताल मिश्रा नर्सिंग होम माँ 100 ठे जंबो सिलेंडर के प्लांट लग चुका है जेकर तस्वीर हमने पीछे देख ली। और यह पूरी तरह से अब कार्य करे खीतिर सीधी का सौगात के रूप में मिल रहा है। तो आज हमारे साथ बात करे कि यह पूरे मामला में डॉक्टर अनूप मिश्रा है विन्ध्य क्षेत्र के, यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का बहुत बहुत स्वागत करी थे, प्रणाम करी थे। अनूप भैया, यह ऑक्सीजन प्लांट आएगा सरकार अभी हमारे सीधी में नहीं लगवा पाई, अपना कौन प्रोसेस से ये का जो है इतना जल्दी ले आए लीहन कि भाई 1-1.5 महीने का एक तीसर लहर लगातार मतलब यदि कहा जाए आ चुकी है। सीधी में 2 केस आ चुके हैं, 2 ठे कोरोना के नए संक्रमित आ चुके हैं। तीसर लहर की ये कहा जाए कि ये शुरुआती दौर शुरू हो चुका है। सीधी में सरकार के लगे अभी ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, कहा माना जाए अपना के सिस्टम मतलब प्राइवेट ज़्यादा बेहतर है, तब स्पीड प्राइवेट के ज़्यादा बेहतर है। नहीं अब यह तो हम ना कहे कि हम पंचे सरकारे के अंडर में काम करी थे, तब यह कहा था कि वो हम पानी में रह के मंगर से बैर न ले चाहिए थी, यह चीज़ तो हम ना कहा। पर बीच में पेपर में सुने रहन के फोटो तो आई रही कि शायद आई गए इंस्टॉल हो एक है, हो सकत है कि ऑक्सीजन पाइपलाइन और काम चलत हो और लंबा, चूँकि हमार सिर्फ 100 बेड के है और उनखर 300-400 बेड के है, तो एक ही कारण लेट लागत हो, पर प्लांट आ ही गया है। और बाकी अपना पंचे ज़्यादा अच्छे से जानब, हम अपन पूर्ण ध्यान केंद्रित यह करें कि अगर हम शहर के कैसन नर्सिंग होम है जहाँ पे लोगन के विश्वास है, तो हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करे के प्रयास करी। वही के उमा तो जैसे हम खरीदे रहें उन्हों का धन्यवाद देव के उनके लगे पीछे बताइन बुकिंग बहुत ज़्यादा है, पर हम पंचे लगातार लगे रहें आगे पीछे, बीच में यहाँ तक के गाड़ी बीच में फंस गई तब खुद अपन मने गाड़ी भेज के ओखा कैसे होकर जल्दी मंगवाइस। तब प्राइवेट और सरकारी में कुछ अंतर तो हो ही जाता है, ये तो जग जाहिर है। निश्चित तौर पर भैया के द्वारा एक बेहद अच्छी बात कही गई कि पानी में रह के मंगर से बैर न ले, मगर हम पचे पानी में रहन के मंगर से बैर ले वाले आए हैं। और पत्रकारिता यही इनका कहा थे कहे कि जो यह तीसर लहर ही यह देख के ना आई कि अपने यहाँ सरकारी अस्पताल में अभी ऑक्सीजन प्लांट लगा है कि नहीं, कि अब वहाँ लगी जाइए ओके बाद अपने यहाँ तीसर लहर आई। तीसर लहर कितनी देर आ सका थी, और बच्चन में जो सबसे ज़्यादा प्रभावी हुई वो दौर माँ सोची यदि ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो का हालात हुई, जब बाप महतारी मतलब बुजुर्ग लोग और यह कहा जाए कि एक युवा प्रौढ़ के जब समस्या भय तो लोग कितना हाहाकार मचिया। सोची छोट का लड़का जेकर जो है ध्यान दे माँ इतनी तकलीफ और सब चीज़न माँ, तो मतलब आखिर वो में लापरवाही बेहद दुखद है। बात अनूप भैया से कहे कि अनूप भैया एक प्राइवेट संस्था है, आपन प्रयास लगातार कर रहे थे कि जिला का एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा मैं ओके खिद अनूप भैया यह कहा कि जैसा एक प्लांट के बारे में कुछ बताई कि का कैसन मतलब एकर प्रोडक्शन हुई, का कैसा यह प्लांट के साथ अपना व्यवस्था अंदर अपने नर्सिंग होम में दे। बेसिकली ये प्लांट जो ना है तो इमें पाइपलाइन होवा करती हैं, और अभी तक में हमारे पास पिछली बार अगर देखी तो 30-32 ठे पलंगन में सिलेंडर के द्वारा हम पाइपलाइन दीने रहन, पर अब यह प्रयास है कि कम से कम 100 बेड में मतलब हर एक पलंग में
वे ये ना करे परी के पलंग में मरीज पौड़ा है तो हमारे पास यह हुई कि मरीज आवा है पलंग है तो ऑक्सीजन मिली, पलंग जब नहीं है तब दिक्कत हुई। बाकी पर डे 100 के मतलब होता है पर डे ये 100 सिलेंडर जम्बो जो उतना ऑक्सीजन बनावे की अगर क्षमता है। एवं हम पंचे थे रिफिलिंगों वाला मकान है वो आई जी, तो भविष्य में हम सिलेंडरों में रिफिलो कह सकी थी। और साथ में हम करीब 10 सिलेंडर के अलग प्लांट अलग रखे लागन कि कबो अगर दिक्कत अगर हो ही गए तो वो 10 सिलेंडर जो उन्हें सपोर्ट करत रही हैं। तो ये तरह से हमारे दो प्लांट, एक तो खुद ऑक्सीजन बनावे वाला प्लांट है और दूसरा इट्ठे जो पहले से रहा है जो उन्हें में सिलेंडर मन ही लगा के सप्लाई करत रहा है तो दूसरा हुआ है। देखा खेती बहुत सारे एका खेती हमका अलग से इट्ठे हैवी जनरेटर खरीदे का पड़ा और साथ में हम 20 बेड के ICU बना ला है जो के ओके हिसाब से ये रहा है कि अगर यह मैं मरीज आवा तो एक प्रयास है कहे कि ये अच्छा ये प्रयास तब है संभव जब लोगों के विश्वास है। ये विश्वास ऐसा करे के वह करिस। और रही बात तीसर लहर के, जैसे सुनवा करी थी कि कहा था मानसून केरल कहते आवत है तो केरल के हालत सुनते लागन कि केरल कहते कोरोना घुस चुका है और बहुत बुरी स्थिति में है। और एक का हुई भगवान है जी कहे कि पहली बार हम पंचे नहीं माने रहें तो दूसर बार भोगन, अब तीसरो बार अगर सजग ना रह हम तो भगवान से मनाई थी कि ना आवे, अगर आवे तो खर पहले से तैयारी रहा है वही के तारतम्य में सब कीन का है। निश्चित तौर पर एक बेहद अच्छी बात कि मतलब तैयारी तब न कीन जाए जब जरूरत हो, तैयारी पहले से कीन जाए तो मतलब वह कहा जाए वह तैयारी तैयारी मानी जाती। और जब वह कि जब दुआरा लाख बारात तब पगड़ा तीन का लाख झड़ास, ये बघेली माँ बहुत फेमस कहावत ही अपना पंचे सुने हो तो वह हालत अभी सीधी के स्थिति माँ जनप्रतिनिधि के हालात है, सीधी के जिला प्रशासन के है। और हालात ये कि शिवराज सरकार ऑक्सीजन प्लांट पूरे मध्य प्रदेश में घोषणा कर चुके हैं किंतु अभी कहाँ देखे का नहीं मिल रही है। ऐसे ही है कहावत जो है चरितार्थ हो रही है कि जब दूसरा लाख बरात तो पकड़ा ही तीन का लाख बरात। अब बात हुआ कि भैया जब दूसर लहर रही, दूसर लहर में हाहाकार कितना रहा, ऑक्सीजन की किल्लत कितनी रही, वह दौर के बारे में कुछ बताई कि मतलब का ऑक्सीजन का लेके अपना कितनी कठिनाई इनके सामना करे हैं। कहे कि वह हम दर्द दिखे हैं लोगन के अंदर, हमका फोन लगा में कहें अनूप भैया कि एक बेड दवा दे, ऑक्सीजन वाला बेड दवा दे, कैसों के दवा दे, तो मतलब वह दौर में अपना गुजरे हो और तो वह दौर के बारे में कुछ बताई। अब वो अगर कही तो देखी वो तो ऐसा भयानक काली रात रही है जो हम बीत गए भगवान न करे दोबारा अब हम बार बार यह कही थे। पर वह समय अगर सोचित रूह कांप जाती कि कबो कबो तो यह हालत हो रहा है कि जेखा सिलेंडर दे के जेखा पलंग दई दीनहन है क्या ऑक्सीजन है वहाँ, तब लागर रहा कि कैबे चुक जाई और मिली कि न मिली। तो ये सगली कहानी मैंने पहले जान चुका है, मैं ज़्यादा चर्चा अब करे लायक कुछ बचा नहीं है। पर बार बार यह कहा कि सजगता बहुत जरूरी है, कहे कि ये कोरोना अब न जाई। यह फिर जो कोरोना से प्रभावित भे रहे अगर 100 जने में कम से कम 30 जने ऐसा हुई है कि जेखा मौसम बदले में सांस की दिक्कत कुछ न कुछ बनी रही, तो ऑक्सीजन के निश्चित है अगर कोरोना नहीं आवता है तो एक मतलब ऑक्सीजन वाले मरीज ये कोरोना बहुत छोड़ गया है जे जेखर फेफड़ा पता चला 70% खराब हो गया रहा, 80% खराब हो गया रहा, वो जब बच गए हैं तो थोड़ा मौसम बदला था तो उनका तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत अभिनव पड़ा थी। पर डे 2-4 मरीज या में हमारे पास आवा था तो पहले सोची कि महीना वो मनाई 10 सिलेंडर भरवा ले तो महीना भर चलत रहा, तो जो 5 चलत रहा 5 लीकेज हो जा रहा। अब यह हालत थी कि सप्ताह में 10 महीनों भरावे के पड़त है तो एक न एक देखिए भयावह रूप छोड़ गया है जो उनकी अखर बहुत जरूरत रही है। तो अगर यह हमारे छोट का 100 बेड के अस्पताल में इतना है तो सोची हमारे यहाँ वो आवा था जो कुछ व्यवस्था करके आवा था पैसा रुपया लेके आवा था और जिला अस्पताल में वो जाता जेके पास कुछ सुविधा नहीं रहा है बेचारे गरीब रहा था, तो उनका खेती तो बहुत जरूरी है कि अस्पताल में जितना जल्दी से जल्दी हो सके तो प्लांट लागे प्लांट आए तक है और सुचारू जो उन्हें संचालन हुए। निश्चित तौर पर वह दौर के कहा जाता है जैसे भैया कहा काली रात में कहो ना कहो हालात सबके बुरे रहे, हालात चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जे ये स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा रहा हुआ सीधे तौर सरकारी रहते इंतजाम सरकारी रहते सब चीज, किंतु एठे जो है सीधी माँ यह में सुविधा मिलब जो है या कहो न कहो माना जाए कि एक बेहतर सुविधा है। और यह बेहतर सुविधा के चलते हम अपना एक आबे वाली महामारी के सामना करेगा कम से कम 100 बेड यदि अनूप भैया तैयार कहे हैं तो 100 जने के जान था हमका लागत है कि रोक के रखी जा सकती थी, तो यह एक बेहतर प्रयास है। अनूप भैया अब मौसम बदल रहा है, मानसून चल रहा है, यह दौर में कई तरह की बीमारी पनप रही है, तो सीधी माँ जैसे कहा है जल भराओ
लगभग लगभग हर जगह है, हर मोहल्ला वार्ड में देखा जाए तो पानी निकासी की बेहतर व्यवस्था तो ही है। गाँवनों में यह में स्थिति है कि लोग जागरूक नहीं है ही, बरसात के पानी का कहाँ स्टोरेज के दिन तो वहाँ डेंगू मलेरिया ऐसा, तो भैया ये समय के कहाँ बीमारी के हुआ है, मतलब लहर चल रही है और यह बीमारी से कैसा आदमी बच सकत। इस समय अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा आवलना है कि अच्छा तेज़ बुखार आवलना ही और सर्दी खांसी, और जो उन हम पंचे प्राइवेट में जो उन चेक कराई ला है तो हम पंचे डेंगू के किट रखे हैं, तो ये मान के चलिए कि 10 में से 5 जने इनका वो किट में हल्का पॉजिटिव आवल्ला है। अब एक का कहा जाए, अब एक तो हालांकि ये घोषणा तो सरकार करती है कि डेंगू प्रभावित हो रहा या हो रहा है, पर अगर हमसे पूछा जाए तो हम तो यह कहें कि डेंगू सीधी में आ चुका है और लगभग लगभग जितने मरीज हमा तो बुखार वाले जो आवल ना 10 में से 5 का डेंगू निकल रहा है जो किट में। अब किट कितने किट हूँ पंचे कंपनी से खरीदी थे, किट में लाइन आवल रहा है, अव्वल प्लेटलेट घटे मरीज आवल ना है यहाँ तक कि हम पंचे प्लेटलेट चढ़ाई ला है रिकवरी हो रहा है, तब तो यह मानव के सीधी में डेंगू आ चुका है। और बाकी सीजनल जो उन्हें सर्दी खांसी बुखार जो उन्हें तो वो तो ही है। एक चीज़ जरूर हुआ है, कोरोना की टीका जे लगवाई नहीं, कोरोना की टीका लगवाए के बाद सर्दी खांसी के जो रेशियो पहले रहा वो जरूर घटा है, या ऊजे लगवा चुके हैं तो 10 में से एक आदमी ऐसा कि जेखा सर्दी खांसी हो रहा है कोरोना के टीके लगवाए के बाद उनका जरूर ये फ़ायदा भा है, भले एक दो दिन बुखार आवा थी पर सर्दी खांसी से उनका निजात मिला है। एक चीज़ अपना बहुत सही कहें कि जो उनका प्राइवेट में पैसा लागत है, बात सही आए पर वो पैसा जात कहाँ है, हमरे के अलावा 12 से 13 तरह के मनी टैक्स देते हैं, इतने टैक्स हम वह टैक्स घूम के जब कई टैक्स मिलके जो उन जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लागल रहा है तो वह सबके टैक्स के पैसे से लागल रहा है, फिर कर्मचारी के तनख्वाह हो गया, ये जब मकान है तेहू की किस्त हो गए, तो बहुत सारी चीज़ ऐसा रहती हैं कि आदमी वहीं से लेते हैं वहीं से दे से वहीं से अपने का बढ़ावा करत है, तो लेन देन की प्रक्रिया चलत रहा थी। और निश्चित है बहुत सिंपल थ्योरी ही कि रीवा से भोपाल इट्ठे जाती गाड़ी रेवांचल वही मैठे कूपा है जो उन्हें 3,000 रुपया अपना दे के आराम से रजाई ओढ़ के सो बच जाई, और वही मैठे है कि अपना 400 रुपया दे बैठे बैठे पहुंच जाई। अब ये अपना का सोच है कि अपना 400 रुपया दे के आराम मन से भोपाल पहुँचे चाहिए थी या 3,000 रुपया दे के पहुँचे चाहिए थे, तो सुविधा जेखर जैसा रहा थी वो हिसाब से, तो कम से कम सुविधा वाले जो हैं उनका खेती तम तैयारे रही। निश्चित तौर पर वह दौर माँ डॉक्टर अनूप मिश्रा दूसर लहर पहल लहर हर लहर में तैयार रहे, अब तीसर लहर खीतिर एक बेहद बड़ी व्यवस्था लेके सीधी का एक बड़ी सौगात दे रहे हैं, और लहर माँ अपने न अस्पताल भर की व्यवस्था नहीं बनाए हैं, यह जान ली यदि अपने अस्पताल से यदि बच जात है ऑक्सीजन तो बाहर रिफिल कर सकते हैं बड़े वाले सिलेंडर और दूसरे लोगन का अस्पतालन का प्रोवाइड करा सकते हैं, मतलब उपलब्ध करा सकते हैं। और निश्चित तौर पर एक बेहद अच्छी पहल हम एकाएक मानी लागे कि जो मौका अवसर बीते के बाद यदि कौनों व्यवस्था की जाए तो वह व्यवस्था ना हो वह एक खड़बड़ाहट आए, वो माँ एक सही व्यवस्था के अपना उम्मीद नहीं कह सकी, किंतु यदि अवसर से पहले हम कौनों व्यवस्था कह ली वह करी। डॉक्टर अनूप मिश्रा कहे कि सीधी माँ सरकारी अस्पताल माँ दुई दुई ठे बड़ी बड़ी कंपनी के जो हैं ऑक्सीजन प्लांट जो हैं लागे वाले रहे, किंतु आज दिनांक तक ग्राउंड जीरो रिपोर्टों अपना काम दिखाए चुके हैं कि कौने स्थिति में हुआ ऑक्सीजन प्लांट पड़े लागे, किंतु आज डॉक्टर अनूप मिश्रा लगवाए लेन ऑक्सीजन प्लांट तो कम से कम 100 बेड के यदि अपना के लगे इंतजाम है तो उस 100 लोगों के जान तब बचाई जा सका थी। तो निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद हम MP संदेश न्यूज़ 24 की ओर से भैया अपना का दे चाहिए थे, और निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी सौगात है और यह सौगात का पूरे सीधी जिला वाले एक ऊर्जा के साथ अपनावे का तैयार हो। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब, धन्यवाद, प्रणाम।